हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज है 5 तारीख, लेकिन आज का दिन चेहरा नहीं दिखा पाएंगे और आप सभी को कुछ बताने वाले हैं। क्यों आज ब्लॉग वीडियो नहीं आया, क्यों वीडियो नहीं बना पाए, क्यों वीडियो नहीं शूट कर पाए, तो इसी ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा। चलिए, आज आप सभी ने देखा अभी पिछले ब्लॉग में कि हमारा नलका गड़ा गया, नलका का जो नहीं था उसको जाम कर दिया हम लोग, और कल वीडियो डालने में लेट हो गया। 1 बजे वीडियो हमारा आया तो कुछ चला नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो दोस्तों इसमें इतनी ज़्यादा ठंडी है। आज हम लोग जाने वाले थे जमीन पे, जो कि जमीन पे जाके नई हुई खनने वाले थे, जो रूम बनवाना है हमको, बनाना है मिट्टी का और ईंट का। तो इतना तगड़ा यहाँ ठंडी पड़ रहा है, 13 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 13-14 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और रात में तो 8-9 दिखा रहा है। तो इतना तगड़ा यहाँ ठंडा, पहली बात तो ठंडी रहती है तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है मैनेज, लेकिन हवा हवा स्विंग 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 हवा चल रही है। दोस्तों हमारा तो तबीयत खराब हो गया था, मेरा सर दर्द करने लगा। आज टोपी निकलवाए हैं, कितने दिन से पड़ा था बक्सा में लेकिन निकलवा नहीं रहे थे, लेकिन आज निकलवाना पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और क्या बताएं, और दोस्तों आज एक काम भी था, वहाँ तो नहीं जा पाए, फिर सोचे अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। 8वां महीना बाबू का लग गया है, जो मेरा बेबी है उसको 8वां महीना लग गया है, और अल्ट्रासाउंड करवाया था। इतना ठंडी पड़ रहा है कि आशा वाली बोल रही हैं अभी अभी आप रुक जाइए कुछ दिन, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, 8वां रहने दीजिए करवाने के लिए। इसलिए हम सोच रहे थे 8वां हो जाए, ताकि हम मान लीजिए 3रा में बस करवाएं अल्ट्रासाउंड। 2 बार करवाए हैं, लेकिन तो एक बार जब 1.5 महीने के थे तभी करवा लिए थे, मन प्रॉब्लम लग रहा था हमको, नंबर डर लग रहा था कि है कि नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड में बताया था, और वही 3रा महीने में एक बार करवाए थे, 3रा या हाँ वही चौथा लगने वाला था, उसके बाद से तब से अल्ट्रासाउंड हुआ ही नहीं। 3रा, 4थ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां मान लीजिए 4-5 महीने के बाद हम फिर से अल्ट्रासाउंड सोच रहे थे करवाने के लिए कि कैसा बेबी है। और लोग कहते हैं कि मनो मालूम होना चाहिए कितने किलो का है कितना नहीं, सब मालूम हो जाता, उसी तरह खुराक ही बढ़ता। और दोस्तों दवा होता है जो कैल्शियम का, कौन सा दवा, आयरन का जो दवा होता है वो भी नहीं खा पाए, एक को पत्ता नहीं खा पाया। लोग कहते हैं हमेशा खाना रहता है, उसको हमेशा खाएंगे तब ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हम उसका एक पत्ता भी नहीं खा पाए, बहुत टेंशन है। और शूटिंग कर रहे थे उस समय ठीक थे, तो उस समय शूटिंग कर रहे थे, कभी भूल जाते थे, कभी खाते थे, कभी भूल जाते थे, इसीलिए छूट गया था। फिर से सोच रहे हैं खाने के लिए, तो आशा वाली से बोले हैं कि आप ला कर हमको दे दीजिएगा, बोले हैं ले आकर देंगे। तो दोस्तों क्या बताया जाए, इतनी तगड़ी ठंडी पड़ रही है, और देखिए हम लोग बस इसी से काम चलाते हैं, यही एक हमारे लग पास कंबल है और यही ओढ़ के काम चलाते हैं, क्या करें। और सोच रहे खरीदने के लिए, लेकिन क्योंकि इतनी तगड़ी ठंडी शुरू हुई, इतनी जैकेट पहन के सोते हैं कि तो मान लीजिए ठंडी जाएगा नहीं, इससे ठंडी नहीं जा रही, जैसे लग रहा है ना मतलब बदन पे ओढ़े ही नहीं है कुछ, ऐसा फील हो रहा है, बहुत हल्का। तो इसकी वजह से लग रहा है कि कल खरीदना पड़ेगा एक और कंबल, इसके ऊपर से साट लेंगे। और जो ज़मीन पर जाकर हम लोग काम करने वाले थे वो तो हो नहीं पाया, इतनी तगड़ी ठंडी उधर से जब कल रात को लौट कर आए, 2 दिन हम लोग रात को लौट कर आए, तो लौट कर आने से तबीयत पानी एकदम ख़राब हो गया, इनका भी तबीयत ख़राब हो गया, सर और दर्द करने लगा, मेरा एकदम ये पीठ उठ एकदम रीढ़ की हड्डी इतना दर्द करने लगा, ये पखूरा खूरा मतलब परेशान हो गया, लगा कि हम लोग सो रहे हैं एकदम, हवा इतना तगड़ा बाहर बाहर आए, लेकिन क्या करें कुछ कर ही नहीं सकते। तो आज इसी वजह से आज वीडियो कुछ नहीं आ पाया, और सुबह से हम लोग बाहर कहीं जाने के लिए सोच रहे थे, निकले ही नहीं हम लोग बिस्तर में से। और दोस्तों आज मेरा पेट इतना दर्द किया आप लोग कहिए, क्योंकि आज कहीं बाहर टहलने नहीं गए, आज सुबह से खाकर इसी भी सोने में खाकर सुबह बाहर गए, थोड़ा सा कुर्सी पे बैठ के एक दो शॉट बनाए, फिर अंदर चले आए, अंदर आके फिर से तब से ही बिस्तर में ही है, हिल डोल नहीं रहे हैं, तो मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बाबू है जो बेबी है बहुत परेशान करा, उसी में ज़्यादा डोल रहा है, तो डर लगता है, बहुत डर लगेगा। और यहाँ इतना दिक्कत भी है ना, आग भी नहीं जला सकते, आग जला के सेक ले, पैर सेक ले, हाथ सेक ले, यहाँ आग भी नहीं जला सकते ना, दिक्कत तो जानते है। मकान में तो कहीं जला नहीं सकते हैं, उनके उनके उत्थी से जलाएंगे तब तो ठीक रहेगा, कहाँ जलाना है कहाँ नहीं, तो आप लोग जानते हैं अपना घर रहता तो
भले से लिंटर कराता तो वही में कोयला आगे सुनगा के घर में सेक लेती। अब बाहर इतना तेजी से हवा बह रहा है कि कोई बाहर बैठ के सेकेगा तो पीछे से उठ सेक देगा, टेढ़ हो जाएंगे। बाहर बार भी नहीं सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि धुआं लग जाएगा, काला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ अंदर भी बारने वाला जगह था तो वहाँ भी काम चल रहा है। और बात रही अल्ट्रासाउंड की, हम लोग सोचे थे मान लीजिए अगर अभी अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो कोई दिक्कत अगर रहेगा बाबू को तो 1 महीना और बचा, 1 महीना में जो रिकवर हो जाएगा, 1-2 महीना और बचा है तो रिकवर हो जाएगा, सही होने में सही हो जाएगा। और लेकिन आस वाले पूछे तो सब कुछ ठीक हुआ है, ठीक है, नहीं दर्द उर्द कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, तो आप सब प्लीज़ कमेंट बताइए 8वें महीने में आप सब अल्ट्रासाउंड कराए थी कि नहीं, जो भी महिलाएँ हैं और पहली बार है ना इसीलिए डर लगता है, दूसरी बार होता तो सब जानते हैं तो नहीं डर रहता। तो आप सब कमेंट में जरूर बताइए। इसलिए डर लगता है क्योंकि हम रोज इधर उधर गाड़ी पे बैठ के जाते हैं आते हैं काम करते हैं हम लोग इधर उधर, तो डर लगता है। कितने लोग तो गाड़ी पे सफर ही नहीं करते हैं लेकिन हम आए तो करना पड़ रहा है, क्या करें। अगर अपना घर रहता तो आराम से बैठे रहते हैं, मतलब अपने घर में ही रहते हैं, नहीं कहीं जाते हैं। अरे कम्बलों कैसे जाएगी छोड़, कहीं नहीं जाते लेकिन तो क्या करें। अब अपना घर बनवाना है, सोच रहे हैं कैसे यहाँ से चले जाएंगे, क्या करेंगे। अपना घर है नहीं तो वही कटरैन डाल कर रहेंगे, जब तक बाबू आता है तब तक सोच रहे हैं तैयार हो जाए घर, तो जब वो आ जाएगा तब तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग शिफ्ट। नहीं तो अगर बाबू आ जाएगा तब तो काम ही नहीं कर पाएंगे कोई हम, क्योंकि 2 महीना वैसे ही परेशान रहेंगे हम अपने शरीर को लेकर और बाबू को लेकर ही परेशान रहेंगे। तो या तो मार्च में शिफ्ट हो जाएंगे या तो मार्च के बाद, मार्च के बाद कहाँ, मार्च में हो पाएंगे, अप्रैल में होंगे, मार्च में होगा तो कहाँ। अब पता नहीं मार्च में 5 तारीख के हो कि 10 तारीख के हो, वह कह दी या तो मार्च में शिफ्ट हो जाएंगे या तो मार्च के बाद, पूरे अप्रैल महीने होंगे। या मान लीजिए बाबू अगर फरवरी में हो गया तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, अगर मार्च तक सब कुछ सही हो जाएगा, 7 मार्च तक अगर सब कुछ सही हो जाएगा तब तो 7 मार्च के बाद शिफ्ट हो जाएंगे। अगर नहीं सब कुछ सही होगा तो फिर वो भी महीना बिता लेंगे। 7 मार्च के हुए तो 12 दिन सौरी में सब रहेगा। अरे तब वो माला वो पहले ही हो गई, तब फरवरी में हो गई, फरवरी में कहाँ हुई दिया ले बाट। अरे 5 मार्च दिया है दोस्तों डिलीवरी का, हमको तो बहुत डर लगता है। अरे मैं अरे कैसे हुई ऐसे हुई दोस्तों, बहुत डर लगता है क्या करें, लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। भगवान जी दया करिए हम पे दोस्तों, कहाँ से कि समय आप लोग को बता दें कि हम लोगों के पास कुछ कुछ नहीं बचा, हम लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं समय। जैसे हम लोग का पहले स्थिति था वैसे फिर हो गया, क्योंकि ज़मीन ले लिए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और इधर जो बेबी है उसको सोच रहे हैं कुछ पैसा रखे रहेंगे तभी ना डिलीवरी में काम आएगा। और यही जो ईंटा गिरवा दिए हैं, ईंटा गिर गया, नलका गड़ा गया, पैसा हम लोग के पास एक भी नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ ही है, क्या करें। लेकिन लोग सोच रहे होंगे यूट्यूब चलाते हैं सर, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, पैसा तो आता है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने से कभी नहीं पैसा आता है, व्यूज़ आने पर पैसा आता है। फिर भी व्यूज़ अगर आ गया तो ऐड अगर बढ़िया देता है तब पैसा देता है। इस समय चैनल पे हमारे ना ऐड सही से चलता है नहीं, आप लोग से हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच में बोल रहे हैं कि समय हम लोग के पास एको पैसा नहीं है। बस कैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कट रहे हैं, वो कट रहे हैं धरने भर के, हम लोग वही 10-15-20 हज़ार होगा हम लोग के पास, वही बस रखे हैं जो कि कट रहे हैं हमारा धरा जाए, वो भी हम लोग उसी में से, किसी लेबर मिस्त्री को नहीं लगा रहे, अपने खुद कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि लेबर मिस्त्री को 400 रुपया 2 दिन का 3 दिन का देंगे, पता नहीं कितना दिन लगेगा बनाने में। 400 लेबर ही मिस्त्री आना, 700-800 मिस्त्री आना है तो कहाँ से देंगे, उन सबको देंगे कि जो सामान घटेगा वो लाएंगे। तो इसलिए हम लोग किसी, इसलिए सब कुछ अपने बनाएंगे, कुछ यार दोस्त हैं उनको भी बुला लेंगे हेल्प कर देंगे, कुछ लोग यूट्यूबर लोग हैं बोल रहे हैं कि हम लोग आके इतनी इतनी तगड़ी ठंडी है, अगर अकेले कई दिन करते रहेंगे तो दोस्तों गर्मी रहता तो कोई बात नहीं रहता कि कहीं भी हम लोग खटिया बिछा के सो जाते हैं खेतों में सो जाते, लेकिन ठंडी है इतनी जोर से हवा है वहाँ पर, आप लोग देखे हैं लोकेशन की पूरा खुला खुला है तो कहीं जगह भी नहीं है किसी को रखने के लिए। कितने लोग बोल रहे हैं आके हम कर देंगे, तो वो लोग आएंगे तो हम लोग कहाँ रखेंगे, बस ये सोच रहे हैं। तो एक रूम मिला है वहाँ पर रहने के लिए, तो देखते हैं जाते हैं, अगर 2-3 दिन में धूप होने लगा तब तो बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो आप लोग जान रहे हैं गारा माटी से बनाएंगे तो हम ही लोग बनाएंगे और कोई बनाएगा नहीं,
तो गारा माटी में सानना उन्ना जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाएगी तो हम लोग की तबीयत खराब हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग शायद कुछ ना कर पाए। चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया बात करते करते, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अल्ट्रासाउंड करवाएं कि नहीं करवाएं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहला पहला बेबी है ना इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक, प्यारा सा कमेंट।